नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कुछ टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जुलाई 2018 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रिक्स 10th समिट हेल्ड इन, ब्रिक्स की 10वीं समिट कहां पर हुई। आपके पास चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में हुई है ब्रिक्स की 10th समिट। अब जोहान्सबर्ग कहां पर है, तो जोहान्सबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका के। अब देखिए, ब्रिक्स से आप याद रखिए कि 2018 में ब्रिक्स की हुई है 10वीं समिट, और ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के संघाई में स्थित है, और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी जुलाई 2006 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसमें थी चार कंट्रीज, और उसके बाद पांचवी कंट्री जो थी जिसने इसको ज्वाइन किया था वो थी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने 2010 ईस्वी में ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप ब्रिक्स के बारे में याद रखिए। अच्छा, बात हुई है समिट की, तो 10वीं समिट हुई है 2018 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट समिट जो 11वीं समिट होगी 2019 में, वो कहां पर होगी, तो वो होगी ब्राजील में, और 12वीं समिट होगी रशिया में। तो 11th और 12th इन दोनों समिट्स के बारे में भी आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समिट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ब्रिक्स की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। देखिए, मैक्सिमम टाइम जो कंफ्यूजन जो होता है वो होता है एस को लेकर। जब ऑप्शन में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका दिया होता है तो मैक्सिमम लोग श्रीलंका कर जाते हैं, इसीलिए तो याद रखिए एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु टॉप इन एशियाज रिचेस्ट पर्सन, एशिया के सबसे अमीर लोगों में सबसे पहला स्थान किसने प्राप्त किया। आपके पास चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर लोगों में पहला स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, बात हुई है मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो टोटल संपत्ति है वो कितनी है। इनकी टोटल संपत्ति है डॉलर 54.3 बिलियन। 54.3 बिलियन जो है इनकी टोटल संपत्ति है। और अगर हम बात करें इन्होंने किसका स्थान लिया है इस बार, तो इन्होंने जो है अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक जैक मा का स्थान लिया है। जैक मा की टोटल संपत्ति जो है वो है 44 बिलियन। तो इन दोनों का नाम आप याद रखिए, और किसने टॉप किया है ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी, हाल ही में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे चुना गया। आपके पास चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को एनजीटी का चेयरपर्सन चुना गया है। अच्छा, बात हुई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो इसका अध्यक्ष चुना गया है, चेयरपर्सन चुना गया है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को। इससे पहले जो था वो एनजीटी के चेयरपर्सन कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले एनजीटी के चेयरपर्सन थे जस्टिस स्वतंत्र कुमार, इनका नाम आप याद रखिए, जस्टिस स्वतंत्र कुमार जो थे वो इनसे पहले एनजीटी के चेयरपर्सन थे। क्योंकि जब एग्जामिनर को थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछना होता है तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने जो कि एनजीटी के चेयरपर्सन है उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, तो उन्होंने स्थान ग्रहण किया है जस्टिस स्वतंत्र कुमार का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑन द एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स, एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 में इंडिया ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। आपको चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 11th। 11वां स्थान जो है एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 में इंडिया ने प्राप्त किया है। अच्छा, बात हुई है एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स की, तो इसमें पहला स्थान जो है वो किसने प्राप्त किया है। पहला स्थान प्राप्त किया गया है यूएसए के द्वारा, और दूसरा स्थान प्राप्त किया गया है कनाडा के द्वारा, और तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है जर्मनी के द्वारा। तो इन तीन पोजीशन के बारे में आप याद रखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इंडिया ने 11वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5th है, विच कंट्री बिकम द 68th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कौन सी कंट्री जो है वो 68th मेंबर बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। अब क्वेश्चन चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार जो है वो 68th मेंबर बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, बात हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना जो है वो 2015 ईस्वी में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है इंडिया के गुड़ग्राम में।
याद रखिए इसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुड़ग्राम में स्थित है और म्यांमार जो है वो 68th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इंडियन लैंग्वेज इज मैक्सिमम स्पोकन इन नंबर, इंडिया की कौन सी लैंग्वेज जो है सबसे अधिक मात्रा में बोली जाती है इंडिया में। आपको चार ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हिंदी। हिंदी जो है वो सबसे अधिक बोली जाती है इंडिया के लोगों के द्वारा। अच्छा, हिंदी जो है वो टोटल पॉपुलेशन के कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा बोली जाती है, इस रेशियो को आप याद रखिएगा, 43.63% लोगों के द्वारा बोली जाती है हिंदी इंडिया में, याद रखिए 43.63%। अच्छा, और सेकंड नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सेकंड नंबर पर बोली जाती है बंगाली, और बंगाली टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंट लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो टोटल पॉपुलेशन के 8.03% लोगों के द्वारा बोली जाती है बंगाली, और तीसरे नंबर पर बोली जाती है मराठी, ये बोली जाती है 6.86% लोगों के द्वारा। इस रेशियो को आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। हिंदी की आप स्पेशली याद रखिए कि 43.63% लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वर इंड्यूस्ड इनटू प्रेस्टिजियस आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम, किसे आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम अवार्ड से नवाजा गया। बस चार ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इन तीनों को जो है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम अवार्ड से नवाजा गया है। राहुल द्रविड़, रिक्की पोंटिंग और क्लेरे टेलर को जो है वो आईसीसी हॉल ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है। अच्छा बात हुई है राहुल द्रविड़, रिक्की पोंटिंग और क्लेरे टेलर की, तो इन लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। राहुल द्रविड़ जो है वो इंडियन टीम से संबंध रखते हैं, रिक्की पोंटिंग ऑस्ट्रेलियन टीम से संबंध रखते हैं, और क्लेरे टेलर जो है वो संबंध रखती हैं इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम से। तो इन तीन लोगों के बारे में भी आप याद रखिए कि कौन कौन सी क्रिकेट टीम से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विंबलडन ओपन 2018 चैंपियनशिप विनर, विंबलडन ओपन 2018 की चैंपियनशिप विनर कौन रहे हैं। चार ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, नोवाक जोकोविच और एंकलिकी केर्वर जो है दोनों लोग विनर रहे हैं विंबलडन 2018 के। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। नोवाक जोकोविच जो है वो बिलोंग करते हैं सर्बिया से, और एंकलिक केर्वर जो है वो बिलोंग करती हैं जर्मनी से। तो इन दो लोगों के बारे में आप याद रखिए कि कहां कहां से बिलोंग करते हैं और इनको कौन से अवार्ड से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु आर दी विनर ऑफ रेमन मैगसेसे अवार्ड फॉर 2018, रेमन मैगसेसे अवार्ड 2018 के विनर कौन है। चार ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, भरत वतवानी और सोनम वांगचुक इन दोनों को दिया गया है रेमन मैगसेसे अवार्ड 2018। दोनों लोगों के नाम आप याद रखिए क्योंकि दिस क्वेश्चन इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अब बात हुई है भरत वतवानी की और सोनम वांगचुक की, तो इनको किस फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भरत वतवानी जो है एक साइकेट्रिस्ट है और सोनम वांगचुक जो है एक एजुकेशनल रिफॉर्मर है लद्दाख से। तो इन दोनों के बारे में आप याद रखिए कि कौन कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टीम एमर्ज एज द चैंपियन ऑफ 21st फीफा वर्ल्ड कप 2018, कौन सी टीम ने जो है टॉप किया है 21st फीफा वर्ल्ड कप 2018 में। चार ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस ने जो है वो 21st फीफा वर्ल्ड कप में टॉप किया है। अच्छा, बात हुई है फीफा वर्ल्ड कप 2018 की, 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो किसके द्वारा होस्ट किया गया था, तो ये होस्ट किया गया था रशिया के द्वारा। और इससे पहला फीफा वर्ल्ड कप जो था वो कब हुआ था, तो इससे पहला जो फीफा वर्ल्ड कप था वो 2014 में हुआ था, और नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होगा, और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, दिस इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा कतर में, याद रखिए कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा, और 2018 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो किस किस के बीच में खेला गया था, तो 2018 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया था फ्रांस और क्रोशिया के बीच में, और विनर टीम है फ्रांस। तो इतना आप याद रखिए फीफा वर्ल्ड कप 2018 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोल्डन मैन बुकर प्राइज विनर, गोल्डन मैन बुकर विनर प्राइज कौन रहे हैं। आपको चार ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए माइकल ओनेंजी, माइकल ओनेंजी जो है वो रहे हैं गोल्डन मैन बुकर प्राइज। माइकल ओनेंजी की किताब द इंग्लिश पेटेंट को दिया गया है द गोल्डन मैन बुकर प्राइज 2018। इनकी किताब का नाम आप याद रखिए द इंग्लिश पेटेंट, इसको दिया गया है गोल्डन मैन बुकर प्राइज। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कोर्ट सेज दैट एनिमल किंगडम हैज राइट ऑफ अ लिविंग पर्सन,
किस कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि एनिमल किंगडम हैज राइट ऑफ अ लिविंग पर्सन। आपके पास चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है। अच्छा, बात हुई है उत्तराखंड हाई कोर्ट की, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना, इन दोनों नदियों को लिविंग एंटिटीज की लिस्ट में शामिल किया है जुलाई 2018 में। तो इन नदियों के नाम आप याद रखिए, गंगा और यमुना नदी। और जो स्टेटमेंट इस कोर्ट के द्वारा दी गई है, ये स्टेटमेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एलाइड के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट ड्यूरिंग 2017-18। 2017 और 2018 के दौरान किस बैंक के द्वारा सबसे अधिक प्रॉफिट अर्न किया गया है। बस चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के द्वारा 2017 और 2018 में सबसे अधिक प्रॉफिट अर्न किया गया है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए इंडियन बैंक, क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो मैक्सिमम लोग इसका आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, 2017 और 2018 में इंडियन बैंक के द्वारा सबसे अधिक प्रॉफिट अर्न किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सशक्त स्कीम इज रिलेटेड टू, सशक्त स्कीम किससे संबंधित है। चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर से संबंध रखती है सशक्त स्कीम। इस स्कीम के बारे में आप याद रखिए, स्कीम का नाम है सशक्त स्कीम, और ये सशक्त स्कीम जो है वो बैंकिंग सेक्टर से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज, इंडिया के पहले ट्रांसजेंडर जज कौन है। आपको चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ज्योति मंडल। ज्योति मंडल जो है वो इंडिया के पहले ट्रांसजेंडर जज है। अच्छा, इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन थी। तो इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर वकील थी सत्यऋषि शर्मिला। इनका नाम आप याद रखिए, सत्यऋषि शर्मिला पहली ट्रांसजेंडर लॉयर थी। और इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन कांस्टेबल कौन थी, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन कांस्टेबल थी गंगा कुमारी। इन तीन नामों के बारे में आप याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। इसके साथ ही जुलाई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डे थे वो सभी आप याद रखिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को, और इस वर्ष इसकी थीम थी फैमिली प्लानिंग इज अ ह्यूमन राइट। नाबार्ड डे मनाया जाता है 12 जुलाई को, और 37th फाउंडेशन डे मनाया गया है नाबार्ड का। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है महाराष्ट्र मुंबई में। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है 17 जुलाई को। नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है 18 जुलाई को, और कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है जुलाई 28 को, और इस वर्ष वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम थी टेस्ट ट्रीट हेपेटाइटिस। और इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है जुलाई 29 को। तो ये इंपॉर्टेंट डे हैं जुलाई के, इन सभी डे के बारे में भी आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम पूछ ली जाती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।